खबर झारखंड से है। आज 5 सितंबर है जो शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाएगा। कोरोना काल में ऐसे सेलिब्रेट करें शिक्षक दिवस, खिल जाएंगे टीचर्स के चेहरे। भारत में हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन स्टूडेंट अपने टीचर्स को अपने अपने तरीके से प्यार और सम्मान जाहिर करते हैं। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में इवेंट्स का आयोजन किया जाता है जिसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बीते कई महीनों से बंद है। हिंदू संस्कृति के प्रति ऐसा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक के प्रति समर्पण और सम्मान का यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। हालांकि हिंदू धर्म के प्रति उनका दर्शन और उनका चिंतन बेहद अलग था। पारा शिक्षकों की नौकरी अब 60 वर्ष, जानिए कब कितना मिलेगा मानदेय। राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों की सेवा स्थानीयकरण व मानदेय के समतुल्य देने का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5200 से 20,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षक को वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। राज्य के हाई और प्लस टू स्कूल 21 सितंबर से खोले जाएंगे। हर दिन 50% शिक्षक स्कूल जाएंगे और वे 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लेकर आना होगा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। खबर है झारखंड से। सारंडा के जंगलों में पहुंचने लगी है सरकारी योजनाएं। प्रशासन के साथ वन विभाग, सीआरपीएफ और सामाजिक संस्थाओं ने भी की पहल। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सारंडा में जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी बमुश्किल ही पहुंचती है। लेकिन इस जंगल के बीच बसे गाँव में विकास की किरण धीरे धीरे पहुँचने लगी है। चाईबासा जिला प्रशासन अपने वादे के मुताबिक गांवों का सर्वे कर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आत्मनिर्भर होंगे मत्स्य पालक। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इससे मत्स्य पालक को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। मत्स्य विभाग पशुपालन एवं गव्य विकास के साथ अपनी समन्वय स्थापित करते हुए इसकी शुरुआत की है। मत्स्य रोजगार के लिए लाभुकों का अंशदान जरूरी। खबर है कोडरमा से। डीडीसी आर रोनिक ने गुरुवार को मत्स्य विभाग की योजना की समीक्षा की। खासतौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। इस योजना के तहत लाभुकों को मत्स्य रोजगार के क्षेत्र में कई अवसर प्रदान किए गए हैं। लेकिन योजनाओं के कुल लागत के 40% तक की राशि लाभुक को लगानी है, जो अंशदान है। जीवन ज्योति बीमा योजना के आश्रित को मिला 2,00,000। खबर है मध्य प्रदेश से। बाढ़ पीड़ित किसानों पर केंद्र सरकार की मेहरबानी। पीएम फसल बीमा योजना की तारीख 7 सितंबर तक बढ़ी। खबर है बिहार से। चुनाव आयोग का ऐलान, 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा करना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों के 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्य 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। नहीं टाली जाएगी जेईई व नीट की परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका। कोरोना काल में जेईई व नीट एंट्रेंस एग्जाम पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसे परीक्षा होने देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। ये 6 गैर बीजेपी राज्यों परीक्षाओं को टालने की गुजारिश लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले मंगलवार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई का पेपर हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए एग्जाम सेंटर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि जारी। 22 से 29 सितंबर तक होंगे एग्जाम।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज कक्षा 10वीं और 12वीं की इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंटल की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। CBSE 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 22 से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी। CBSE ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि इम्प्रूवमेंटल कंपार्टमेंटल परीक्षा सितंबर के अंत तक आयोजित कराई जाएगी और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति पहली बार 47 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से प्रदान करेंगे राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार। रामनाथ कोविंद शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर पहली बार 47 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के मद्देनजर देश भर के तमाम शिक्षकों के समारोह को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने का आग्रह किया था। शिक्षा मंत्री के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि मंत्रालय द्वारा गठित स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने 153 शॉर्ट लिस्ट किए गए शिक्षकों के आवेदन पर डिजिटल माध्यम से संपर्क कर विचार किया और विशेष श्रेणी के तहत 2 शिक्षकों सहित देश भर के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से कुल 47 शिक्षकों का चयन राष्ट्र शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अर्पित की पुष्पांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को स्थित भारतीय दूतावास में गुरुवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान रूस में भारत के राजदूत DV वेंकटेश शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को मास्को गए थे और 5 सितंबर तक वहां रहेंगे। हरभजन सिंह भी नहीं खेलेंगे IPL 2020। सुरेश रैना के बाद चेन्नई सुपर किंग को और एक बड़ा झटका। IPL की फ्रेंचाइज टीम चेन्नई सुपर किंग को एक और बड़ा झटका लग गया है। सुरेश रैना के बाद टीम के एक और सीनियर खिलाड़ी निजी कारण से IPL के 13वें सीजन से नाम वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है। चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने वाले ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह की निजी कारणों से 2020 संस्करण से अलग हो गए हैं। इससे पहले खबर थी कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL के लिए वह 1 सितंबर को UAE पहुंचेंगे। गौरतलब है कि CSK के बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी निजी कारण से IPL 2020 से हट चुके हैं। टाटा हैरियर XT प्लस वेरिएंट हुआ लॉन्च, मिलेंगे धांसू फीचर्स। टाटा मोटर्स ने हैरियर SUV का नया XT प्लस वेरिएंट लॉन्च किया है। टाटा हैरियर XT प्लस वेरिएंट पेनारोमिक सनरूफ फीचर से लैंस है। टाटा हैरियर की इस नए वेरिएंट को 16.99 लाख रुपए की प्राइस पर बाजार में उतारा गया है। यह कीमत उन कस्टमर्स के लिए होगी जो सितंबर 2020 तक SUV की बुकिंग करके उनकी डिलीवरी 31 दिसंबर 2020 से पहले ले लेते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से टाटा हैरियर XT प्लस की कीमत में बढ़ा दी जाएगी। गलती से भी ना करें इस बैंक से कोई लेन देन, RBI ने लगा दी है आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक पर पाबंदी। आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग नियम अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है। बैंक मैनेजर नहीं दे रहा था लोन, भाजपा नेता ने ऑफिस पहुंच धोया पैर, फूल चढ़ाए। भीड़ से भाजपा के नेता सुरेश धस का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे एक बैंक मैनेजर को लोन देने के लिए मनाते हुए उसके पैर धोते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये मैनेजर गरीब किसानों को कर्ज नहीं दे रहा है, जिसके बाद गांधीगिरी का तरीका अपनाते हुए उन्होंने उनके पैर धोए और फूल चढ़ाया। बिहार इलेक्शन 2020। बिहार चुनाव को लेकर तैयार हुए नए नए नारे, इस बार इन नारों के साथ मैदान में उतरेगी राजनीतिक दलें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी नारों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है। इसके लिए नए और आकर्षक नारे भी बनाए जा रहे हैं। कुछ दलों ने तो इसके लिए अलग से टीम बना लिया है। पिछले चुनावों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नारे चर्चा का विषय बने थे। व्हाट्सएप ने लॉन्च की नई वेबसाइट, सिक्योरिटी खामियों की मिलेगी जानकारी। व्हाट्सएप के इस नए पोर्टल पर व्हाट्सएप की सिक्योरिटी अपडेट के बारे में बताया जाएगा। कंपनी ने इसके साथ ही 6 खामियों के बारे में भी बताया है। व्हाट्सएप ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट दरअसल कंपनी के सिक्योरिटी एडवाइजरी अपडेट और खामियों के बारे में बताएगी। व्हाट्सएप की खामियों के बारे में भी यूजर्स इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। नियम को ताक पर रखकर लालू कर रहे हैं सियासी बैठक, मुलाकातें। झारखंड के जेल IG ने रांची DC को लिखी चिट्ठी, सियासी हड़कंप।
रांची के रिम्स में इलाजरत राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव अस्पताल में ही सियासी बैठकें कर रहे हैं और लोगों से खूब मिल रहे हैं, जिसके खिलाफ झारखंड के जेल आईजी ने रांची की उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। अब इस चिट्ठी को लेकर बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। दरअसल जदयू ने इसे मामले को हाथों हाथ लिया है और राजद और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा देवघर एयरपोर्ट, एएआई ने दी जानकारी। झारखंड में एक और एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। देवघर जिले में जल्द ही नया एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राज्य सरकार के सहयोग से देवघर हवाई अड्डे का विकास में जुटी हुई है। एआईआई ओर से बताया गया कि 401.34 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कॉर्पोरेट संचार निदेशालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। झारखंड में 1% से कम हुई कोरोना से मौत की दर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एक राहत भरी खबर है। झारखंड में महामारी से मौत की दर में कमी आई है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य की मृत्यु दर लगभग आधी है। राष्ट्रीय मृत्यु दर जहां 1.85 है, वही राज्य की मृत्यु दर महज 0.97 है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में जहां संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 2 और उत्तर प्रदेश में 1.5% है। झारखंड में कोरोना से मौत की दर में कमी पिछले 2 दिनों से आई है। 30 अगस्त को झारखंड में मॉर्टेलिटी रेट 1.06 थी, जो 31 अगस्त को घटकर 1.0 और 1 सितंबर को 0.97 हो गई। टाना भगत का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। रेलवे ट्रैक जाम होने की वजह से फंसी कई रेलगाड़ी। झारखंड के टोरी स्टेशन पर टाना भगत समुदाय का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच अलग अलग जिलों में टाना भगत समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। टाना भगत अपनी मांग को लेकर बुधवार से ही रेल की पटरियों पर ही धरने पर बैठे हैं। इसके आंदोलन की वजह से धनबाद बरवाडीह रेलखंड में अप और डाउन मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन लगातार बाधित है। ट्रैक जाम के कारण कई मालगाड़ी 3 दिनों से फंसी हुई है। वहीं कुछ गाड़ियां और यात्री स्पेशल ट्रेन को दूसरे मार्ग से रवाना किया जा रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती, इसलिए हुआ बदलाव। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में औसतन 40% की कटौती की जा रही है। हर विषय के पाठ्यक्रम में अलग अलग कटौती हो रही है। गणित विज्ञान के विषय में जहां 45% तक कटौती की गई है, वहीं हिंदी अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में 35% छोटा किया गया है। झारखंड के उद्योग व्यापार पर बिहार से 15 गुना मार पड़ी, जाने क्यों और क्या पड़ा असर। झारखंड की उद्योग और व्यापार पर बिहार की तुलना में कोरोना की 15 गुना मार पड़ी है। इसका खुलासा वस्तु एवं सेवा कर के ताजा आंकड़ों से होता है। अगस्त महीने में पिछले साल की तुलना में बिहार में जीएसटी संग्रह में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत झारखंड में अगस्त 2020 में हुई जीएसटी संग्रह अगस्त 2019 की तुलना में 15% कम है। झारखंड में अगस्त 2019 में जीएसटी संग्रह 1770 करोड़ और अगस्त 2020 में 1498 करोड़ हुआ था। झारखंड में अब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगी शराब कंपनियां। अब शराब बनाने वाली कंपनियां भी राज्य में शिक्षा व विकास में योगदान करेगी। शराब कंपनियों द्वारा अस्पताल व सड़क सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी जनहित का काम किया जाएगा। शराब कंपनियों ने शिक्षा सह उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो को CSR के तहत राज्य में जनहित के कार्यों में सहयोग करने का वादा किया है। गुरुवार को मंत्री ने शराब कंपनियों मेसर्स बर्नार्ड रिकॉर्ड, मेसर्स डियाजियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स यूनाइटेड विवरेजेस के पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने JSEA के मुख्य संरक्षक। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के मुख्य संरक्षक बनाए गए हैं। JSEA ने मुख्यमंत्री के खेल प्रेम को देखते हुए उन्हें अपने संविधान से हटकर मुख्य संरक्षक बनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार भी JSEA के आजीवन सदस्य बनाए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।